गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर फाइव ऑफ एस एस नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं फर्स्ट है आपका सनलाइट नेक्स्ट है वाटर, विंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स कौन कौन सी चीजें हमें ने, नेचर से मिलती हैं? सनलाइट वाटर, विंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स इन सारी चीजों को हम इन सबको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस यहां पर देखिये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस दिए हैं पिक्चर में सन फॉरेस्ट रॉक मिनरल्स एनिमल्स एयर ऑयल वाटर सॉयल इन सब को हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे क्योंकि ये सारे नेचर से रिलेटेड हैं और इनसे हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेस मिलते हैं नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में अभी हमने पढ़ा थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेस टाइप्स कौन कौन से दे आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं फर्स्ट है इन एग्जॉस्टिबल एंड इन में कौन कौन से आते हैं पॉइंट्स इन इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं इट इज फाउंड इन प्लेंटी एंड डू नॉट रिड्यूस इन क्वांटिटी। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ये काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं हमें ये नेचुरल रिसोर्स और ये कभी भी एंड डू नॉट रिड्यूस इन क्वांटिटी। और इनकी मात्रा कभी कम नहीं होती है इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस को हम बार बार यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं सन Sun, सनलाइट का हम बार बार यूज कर सकते हैं एंड का भी हम बार बार यूज कर सकते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगी नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं इट इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलते हैं और इनका हम हमेशा यूज नहीं कर सकते इट कैन नॉट बी यूज फॉर एवर इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मिनरल्स एंड मेटल्स फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स मेटल्स फॉसिल फ्यूल्स। ये सारे ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जिनका हम यूज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जिनका हम यूज एक लिमिट में ही कर पाते हैं हमेशा इनका यूज नहीं कर सकते ये टाइम के साथ खत्म होने लगते हैं नेक्स्ट है पॉइंट आपका यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अब अभी तक हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं फिर हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे यूजेस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के अभी हम यूजेस पढ़ेंगे तो यूजेस में कौन से आते हैं वाटर पहले हम पढ़ेंगे कि वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है इसका यूज कैसे होगा वाटर का यूज कैसे करेंगे हम वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको सबको पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और वाटर को एक जगह पर सेव करके उसको स्टोर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है सो वॉटर कैन बी यूज डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ इज़ डन दिस बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर्स रिवर्स के पास डैम्स यानी बांध बना करके वॉटर को स्टोर किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है या यू कैन सी दिक्चर नाउ नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी डीप इनसाइड द अर्थ देस ऑफ इयर्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं एक ऐसे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो कि दैट uh, द रिमींस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरी डीप इन साइड द अर्थ अर्थ की डीपली इनसाइड में जो एनिमल्स और प्लांट्स को हम बरी करते हैं गाड़ते हैं वो मिलियंस ऑफ इयर्स में फॉसल फ्यूल्स को बनाते हैं फॉसल फ्यूल्स में कौन कौन से पॉइंट हैं फर्स्ट है फॉसल फ्यूल्स न्यू नीड टू बी रिफाइन बिफोर दे कैन बी यूज हमें जब भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना है तो हमें पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल कैरोसिन एंड डीजल आर ऑप्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स में से क्या क्या हमें मिलता है पेट्रोल कैरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल हमें फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है फॉसिल फ्यूल्स को पहले डिफाइन किया जाता है उसके बाद उससे पेट्रोल कैरोसिन और डीजल जैसी निकाले जाते हैं, जाते हैं, हैं हैं। किए और हमारे यूज के लिए खे जाते हैं। Next point है हमारा मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ को फॉर्म करते हैं मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ अर्थ में फॉर्म होते हैं अपने आप मिनरल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर बिफोर दे कैन बी यूज मिनरल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर ओर मींस क्या होता है खान उनको खानों से अलग किया जाता है जब भी उनकी जरूरत पड़ती है जैसे कौन कौन से मिनरल्स को खान से अलग किया जाता है जैसे आपने नाम सुना होगा कोल माइन कोयले की खान आयरन माइन आयरन ओर, माइन, 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 सिल्वर कॉपर इन सब चीजों एंड प्रीशियस स्टोन्स की भी माइंस होती हैं, जहां पर उनको सेपरेट किया जाता है हमारे यूजर्स के लिए उसको रिफाइन करके हमारे यूजर्स के लिए उसको तैयार किया जाता है कोल माइन से कोल निकाल करके यू कैन सी पिक्चर कोल माइन से कोयले की खान से कोयले को निकाल करके हमारे लिए तैयार किया जाता है ताकि हम उसका पर्सनल डोमेस्टिकेटेड वे में यूज कर सकें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सन सन के बारे में आप सब जानते हैं कि सन की जो सनलाइट होती है उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है सनलाइट का यूज हम कैसे कर सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए करते हैं सोलर एनर्जी इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो सनलाइट से हमें मिलती है सूरज की रोशनी से मिलती है और सोलर एनर्जी इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोलर एनर्जी इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है इट इज ऑल्सो यूज फॉर हीटिंग ड्राइंग एंड कुकिंग हीटिंग करने के लिए ड्राई करने के लिए या कुकिंग करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका विंड विंड इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स हाउ कैन वी यूज विंड फर्स्ट पॉइंट इज विंडमिल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल का यूज भी हम यू कैन सी दिक्चर ऑफ विंडमिल विंडमिल का यूज भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज विंड विज इट्स ब्लेड टू स्पिन देर बाय क्रिएटिंग काइनेटिक एनर्जी विंडस जो होती है वो विंड की ब्लेड को स्पिन करने के लिए घूमने के लिए हेल्प करती हैं और उससे एनर्जी क्रिएट होती काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो यूज टू ग्रेन ग्रेन इन टू फ्लो एंड टू पंप वॉटर वॉटर को पंप करने के लिए और ग्रेन को अनाज को आटा बनाने के लिए फ्लो बनाने के लिए उनको पीस करके फ्लो बनाने के लिए भी विंड का यूज होता है नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में उनके टाइप्स के बारे में और कौन कौन से होते हैं उनका यूजेस क्या होता है वो सब हमने पढ़ा अब हम ये पढ़ेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड स्टॉक में होते हैं हम उनको सेव कैसे कर सकते कंजर्व कैसे कर सकते हैं तो कंजर्व करने के लिए कुछ पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट इज

बंद कर देना चाहिए कभी भी उनको खुले नहीं छोड़ने चाहिए जब भी हमें पानी का यूज करना है जितना यूज़ करना है उसको करके टैप को क्लोज कर देना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट कट ट्रीज जैसे कि आपको सबको पता है कि हमें ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए क्योंकि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं हमारे एनवायरमेंट को प्योर रखते हैं इम्प्योरिटीज को क्लीन करते हैं तो हमें ट्रीज को कभी भी कट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज लुक फॉर आल्टेट लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हमें दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम्स से के अलावा हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए अपनी डोमेस्टिकेटेड लाइफ में नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कंजर्व पेट्रोलियम पेट्रोलियम को बचाने के लिए पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा स्मोक ना होता हो जिनमें ऑयल का यूज ज्यादा ना होता हो जिससे कि हम नेचुरल को कंजर्व करके रख सके कम मात्रा में उसका यूज हो सके ऑन पेट्रोल और डीजल हमें ऐसे व्हीकल्स का यूज करना चाहिए जो कि सी एन जी बेस हो ना कि पेट्रोल और डीजल से चलते हों क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और डीजल से चलने वाले स्मोक भी ज्यादा करते हैं उनसे धुएं भी ज्यादा निकलते हैं जिससे कि हमारी एयर भी पॉल्यूटेड होती है और ये जो ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में है तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा उनका यूज करेंगे तो आने वाले समय में ये इनकी कमी होने लगेगी नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट आर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हमारे वाइल्ड लाइफ animals हैं, उनको हमें बचाना चाहिए शिकार होने से जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोग हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं हंटिंग करते हैं तो उन सब से हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो ये था हमारा चैप्टर फाइव इसके बारे में हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में उनके टाइप्स के बारे में उनके यूजेस के बारे में और हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं ये हमने पढ़ा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कंप्लीट योर वर्क आई एम गोइंग टू तो एंड दिस क्लास गुड डे